तो गाइस यहाँ पे मैं शाम को बनाई थी उत्पम नाश्ता। तो मैंने रेसिपी तो नहीं शेयर की, लेकिन बट कुछ लुक था तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर। यहाँ पर देखिए, तो ये मैं पार्टी में गई थी, सारे बच्चे खा रहे थे और ये बच्ची अपना पार्टी जॉइन डांस कर कर। यहाँ पे धूप लेने में छत पे बाद हो ली थी दोपहर में, तो मैं यहाँ छत पे आ गई थी थोड़ा सा कुछ मौ देखने, लेकिन काफ़ी अच्छा धूप कड़ा की थी। यहाँ पे मैं बैक करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर। ऊपर आके यहाँ पे मैं बाल सुखाने धूप में आई थी, धूप लेने, बाल कितना है लेकिन बट हाँ कैसी हूँ मैं। सामने शादी है ना आज, इसीलिए ब्लॉगिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है क्योंकि ढोल नगारे बाजे बज रहे हैं। अभी दिखाती हूँ चाट का, टमाटर, हाँ टमाटर चाट है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को पूरा पास में ला के दिखाती हूँ। यहाँ देखिए शादी हो रहा है, यहीं पे ढोल नगारे काफ़ी ज़्यादा बज रहे थे, आवाज़ आ रही थी, गाने बज रहे थे, ब्लूथ डेगोक चला था। यहाँ देखिए लोग सेटिंग वोटिंग कर रहे थे, तो मैं सोची चलो आप लोग को दिखा दूँ। तो मुझे वॉइस ओवर इसीलिए इसमें करवा नहीं, तो मैं सोची थी चलो बोल के आप लोग को सारी चीज़ें दिखा दूँगी, बट यहाँ पे ये लोग कुछ वैसे हैं तो उन लोग का हो रहा था। इधर हम लोग की कॉलोनी नहीं है। मैं यहाँ पे खा रही थी कुछ चाट था, टिक्की था, तो मैं सोची चलो मैं भी खाती रहती हूँ, आप लोग को दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ, बहुत गरम गरम था और काफ़ी अच्छा टेस्टी था। देखिए इसमें से भाप निकल रहे थे, तो बस मैं एक ही जगह बैठे बैठे सारी चीज़ मंगा के खा के वहीं उठ गई। और जितने मैं यहाँ पे इसीलिए इस बच्चे का रिकॉर्ड किया कि सोचिए सारे बच्चे सारे लोग खाने गए हैं चाट गुलगप्पा, बट ये लड़की बस इसे इतना इंटरेस्ट था, ये नाचना नाचना नाचते नाचते जा रही थी यहाँ जो DJ चल रहा था, और ये बस का कोई मतलब ही नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह की मॉर्निंग, इस समय बजे हैं 10:30 और मैं अभी बैठी हूँ अपनी पार्किंग एरिया में। हाँ मैंने स्टैंड वाला यहाँ लगाया है, सॉस वाला जो जाता है। और आज मेरी हवी गए हमें छोड़ के, तो वो ये आज गए और ब्लॉग में अब उन्हीं के जाने के वही जाए निकली ही रहे थे, तभी हम यहाँ बैठे गए थे। तो मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट ही कर देते हैं, कल मेरा ब्लॉग नहीं गया, सॉरी गाइस। मैं आप लोग को कम्युनिटी पे भी कम्युनिटी पे भी मैंने कोई पोस्ट नहीं किया आप लोग से बताने, क्योंकि कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं एक पोस्ट ज़रूर कर देती कि मेरी नहीं जा रही है। लेकिन हाँ मेरी गलती क्या, तो अभी मैं यहाँ से चली हूँ किचन में लोग काम के, और मैं पहले भी आया शूट। तो मेरा ब्लॉग कल का पड़ा हुआ था लेकिन मैंने एडिट नहीं कर पाई, स्पोर्टिंग नहीं हुई। इस पर मेन एडिट में टाइम लगता है तो एडिट नहीं हो पाया, तो नहीं गया इसी कारण था। तो चलिए अभी तो चल रहे हैं, फटाफट पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। हेलो हाय, मोटा हाथी जैकेट, मोटा हाथी जैकेट पहन के हो गया जैकेट। अभी तो इतने ज़्यादा विंटर नहीं है बट ये शॉप में उस बच्ची का तो बहुत सारे काम है, बट ऐसे कोई ज़्यादा अब वो नहीं होगा, जो भी होगा आप लोग के साथ रहेगा,
क्योंकि मेरी तबीयत नहीं है। आप लोग भी वही केक खाइएगा, आप लोग भी वही से केक खा लीजिए। वीडियो मत से उठा के, वीडियो मत से उठा के केक खा लीजिएगा। ले जाइए इसे रूम में रखिएगा बेटा, इधर नहीं, ले जाइए उसे। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई थी मॉल में, चलो देखें कुछ कारण देखे थे मॉल में आई थी, यही बटरफ्लाई था कि बस ये फ्रॉक के साथ ही मिलेगा, ये ऐसे अधिक सारे करके रखा हुआ है तो मुझे लगा कि ये फ्री ऐसे ही मैंने बिक रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रॉक ही लीजिए तभी मिलेगा, तो मुझे ये नहीं मालूम था, तो मैं सोची चलो यही से मिलेगा, मैं देखी थी तो मुझे लगा चलो यहीं पे ले लेते हैं, लेने में पता चला जब वहाँ पे बुला के पूछी कि ये कैसे है इसमें, क्योंकि प्राइस भी लिखा था, थोड़ा सा मुझे इस बात का शंका हो रहा था, यहाँ मैं इसे कह रही थी वाइट कलर ही लो, तो ब्लू तुम्हारा फ्रॉक है तो वाइट ही ठीक लगेगा, तो ये वही वाइट देख देख निकाल रही थी। और पता चला कि नहीं, जब यहाँ पे बुलाए इस स्टोर पे जो वर्क खड़ी थी वो उनसे पूछे तो वो बोली नहीं मैम यहाँ ये फ्रॉक के साथ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। इतना दूर आने का कोई मतलब नहीं, साए के किराए पे पानी फिर गया हमारे, मैं यहाँ इतना दूर भाग के आई थी, सारे सामान भी देखी, आए देख ले गृहस्थी किचन से लिए हुए रिलेटेड सारे सामान थे, तो मैं यहाँ ये सब भी देख रही, मुझे जब जो होता ना जिस चीज़ की वजह से आई हूँ वो नहीं मिलता है तो बाकी सब बेकार लगता है, मैं यहाँ मैं सोची चलो उसको देख, बट उसको नहीं लेना था, उसे लेना था बटरफ्लाई, मैं बटरफ्लाई उसको से थक गई, क्या देखना था तुम्हें, अच्छा हो जाएगा बट ऐसा कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ, सारे किए कराए तो पानी फिर गया, जाना ही बेकार हो गया मेरा वहाँ पर। फिर बेटे यहाँ पे बॉक्स देख रही थी, मैं सोची चलो अच्छा बॉक्स ही देख लो, लेकिन उसे बॉक्स भी समझ में कुछ खास नहीं आ रहा था, फिर बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए अब मैं घर चलती हूँ, तो मैं लेके आ गई घर, फिर मैं सोची चलो कभी दिला देती हूँ तो देखती हूँ क्या होता है, तो ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। अरे पैसा ले लेना से तो सासु तो अलग हो गई है। लो भैया अब तो किसी किसके वजह से सास बहू अलग हो गई, ऐसी वजह बन गई कि सास और बहू का अलग अलग हो गया, बहू हो गई ऊपर सास हो गई नीचे, तो दोनों सास बहू में बंटवारा हो गया। ऐसा आ गया, मुझे इस बात को बहुत सुख हंसी आ रही थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब।